जद्दा स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया, फ्लैट्स के लिए इस्तेमाल किए गए सरमाए का भी नहीं बताया, रकम जद्दा से लंदन कैसे गई वो भी बताया जाए, पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट के सवाल। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि 2006 से पहले फ्लैट्स अगर शरीफ फैमिली के हैं तो सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। आप कहते हैं कि अखबार में जो छपता है वो मान ले, अखबारी खबरों पर फैसला दिया तो आपके वकील के लिए भी परेशानी हो सकती है। जस्टिस शेख अजमत सईद का नईम बुखारी से मुकालमा, नईम बुखारी बोले रिकॉर्ड से साबित करूंगा दुबई में बनाई गई फैक्ट्री बेनामी थी, अदालत ने आपसी कतरी शहजादे की गूंज सुनाई थी। खसारे में चलने वाली स्टील मिल का पैसा लंदन कैसे गया, जब स्टील मिल नुकसान में थी तो पैसा कहां से आया, शरीफ खानदान की कहानियां बदलती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कतरी शहजादे के खत की धज्जियां उड़ाकर रख दी, इमरान खान की मीडिया से बातचीत। हुकूमती टीम ने भी पीटीआई को खरी खरी सुना डाली, मरियम औरंगजेब कहती हैं वकील बदलने से केस मजबूत नहीं होता, नवाज शरीफ पीटीआई के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, दानियाल अजीज ने कहा कि कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। आबिद शेर अली ने पीपल्स पार्टी पर बिजलियां गिरा दी, बोले बिलावल की आंटी पता नहीं कितनी बार पैसे लेकर बाहर गईं, आप पर सरे महल का इल्जाम भी है, बिलावल साहब आप अपने वाले को क्यों नहीं लाते। मौला बख्श चांडी का कहना है कि ऐसी जबान और लहजा ना रोका गया तो हालात के जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी की पंजाब में दोबारा कदम जमाने की कोशिशें, लाहौर में पीपल्स पार्टी के 49वें यौम तासीस की तकरीबात 7 दिन तक जारी रहेंगी, बिलावल लाहौर में मौजूद, जियालों की बिलावल हाउस आमद जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यादगार शहदा का दौरा, आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। लाहौर के इलाके मिलत पार्क में 5 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, 4 गिरफ्तार मुलजिम मीडिया के सामने पेश, 1 खातून भी शामिल, मुलजिम लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वारदातें कर चुके हैं। काली वर्दी वाले जराइम पेशा अफराद के सामने भीड़ में अहम शहरियों के लिए शेर, गुजरांवाला में पुलिस के शेर जवानों का नौजवान पर सरेआम तशद्दुद, 92 न्यूज ने पुलिस का भांडा फोड़ दिया, तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। जंग के जमनी इलेक्शन में ख्वाजा सरा भी मैदान में, हल्का पीपीए ठतर से एमपी राश्ता याकूब की नाहली के बाद ख्वाजा सरा चौधरी आरिफ और मैडम बूटा हिस्सा ले रही हैं। ख्वाजा सराओं के हमरा इंतखाबी मुहिम में शहरियों के लिए तवज्जो का मरकज बन गई। नोट बदल लें, आज आखिरी दिन है, पुराने डिजाइन के 10, 50, 100 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों की आज के बाद कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। और मोदी ने पूरे भारत को टेंशन में डाल दिया, महाराष्ट्र हुकूमत को भी मुश्किल का सामना, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए कैश खत्म हो गया, मुलाजमीन का तनख्वाहों का कुछ हिस्सा देने का मुतालिबा कर दिया।